Let us continue the lesson, page number 3. Continuation, lesson number 1, page number 3. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. जिस कॉरिडोर में मैं था इट वॉज एंगलिंग लेफ्ट, लेफ्ट की ओर टर्न हो रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ झुक रहे थे, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा वो गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी मैं आगे बढ़ा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, केवल यही आवाज़ थी मेरा पैर रखने का. And I did not pass a soul. Soul means person. कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, किसी को मैं ओवरटेक भी नहीं की. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. फिर मैंने सुना एक खाली चिल्लाने की आवाज़. थोड़ा आगे ध्यान दिया तो बाहर लोग बातें कर रहे थे. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, टनल लेफ्ट की ओर मुड़ गया. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतर के मैं थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच गया. फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. मुझे ऐसा लगा मैं वापस सेकेंड लेवल में पहुंच गया. बड़ाई सा द रूम वॉज स्मॉलर. मैं इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ का कमरे छोटे छोटे, एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. टिकट विंडो कम, ट्रेन गेट्स भी कम, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड. वहाँ का जो इंक्वायरीज रूम का दरवाजा वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, लकड़ी से बना हुआ और पुराना दिख रहा था. एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. बूथ में बैठने वाला आदमी एक धूप का चश्मा पहन रखा था. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, जिसका ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स था. द लाइट्स वेयर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, रोशनी तो कम थी यानी कि लाइट्स टिमटिमा रहे थे और हल्का. देन आई सब वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. फिर मैंने देखा वो तो गैस लाइट है. देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर में थूकदान रख रखा था. एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई. उस पार एक लाइट का जो चमक मेरे आंखों के सामने आया. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. इधर वेस्ट पॉकेट मतलब ऊपर का पॉकेट. ऊपर का पॉकेट से एक आदमी एक गोल्ड वॉच निकाला. He snapped open the cover. उसने कवर खोला, glanced at his watch and frowned. घड़ी पे देख के गुस्सा कर लिया. He wore a derby hat. A black four button suit with टाइनी लैपल्स. वो कोट पहन रखा था. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश और उसके मूछे भी तगड़ा था. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग.
फिर मैंने देखा उधर के लोगों का कपड़ा 1890 समय के थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टाश इन माई लाइफ। ऐसा दाढ़ी मूछे साइड बर्न्स का मतलब विस्कर्स अपन कलम कहते हैं ना, ऐसा कलम मैंने कभी देखा ही नहीं है जिंदगी में। ये वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरतों को गेट पार करके आते हुए देखा। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उसके कपड़ा भेड़ की टांगे जैसा मतलब स्लीव्स देखा। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। उसकी ओर आगे देखा पीछे की तरफ तो एक लोकोमोटिव का झलक दिखाई दिया। लोकोमोटिव जानते हो ना, रेलवे इंजन। ये वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप्ड स्टैक। चिमनी आजकल के घरों में नहीं है जिससे धुआं निकलते है ना गाड़ी का। एंड देन आई न्यू, तब मुझे पता पड़ गया कि मैं दूसरे जगह में पहुंच गया। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। फिर बात को कंफर्म करने के लिए मैं एक अखबार वाला छोरे के पास गया, उसका बंडल देखा जिसके पैरों पर रख रहे थे। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। वो अखबार द वर्ल्ड के नाम का था जबकि वर्ल्ड नाम का कोई अखबार आज तक पब्लिश हुआ ही नहीं। द लिट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। कहानी क्लीवलैंड की ओर ले जाते हैं प्रेसिडेंट। I have found that a friend page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. फिर उसका जैसा कुछ कॉपी मैंने लाइब्रेरी में देखा, उसका डेट ऐसा लिखा हुआ था June 11, 1894. I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central I could buy ticket that would take a Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. फिर मैं टिकट लेने गया कि मेरे पत्नी और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी घूम सकता है, तो इसलिए मैं टिकट लेने पहुंच गया। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइस। मुझे दो टिकट लेना था, मैंने दो टिकट मांगा। Have you ever been there? It is a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. क्या आपने कभी वहाँ गए? वहाँ तो ऐसे ऐसे पेड़ है जिसका डाली तो ऐसे ही मतलब दिखाई देगा जैसे पड़ा है। And in 94, summer evenings were twice as long. And people sat out of their lawns, the men smoking cigars and taking quietly, talking quietly. और आप उधर जाए समर वेकेशन में, नया 1894 की समर इवनिंग से ज़्यादा समय का होता है, लोग लॉन में बैठे हैं, सिगरेट पीते हैं लोग, बातें करते हैं। The women waving palm leaves fans, palm leaf का बना हुआ फैन से ladies हवा ले रहे, विद द फायर फ्लाईज ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ जुगनू घूमते। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, शांत भरी जगह। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। ऐसा लगा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए कई समय हो गया जबकि वर्ल्ड वॉर उसके बाद ही हुआ था। I wanted two tickets for that. जो भी है मैंने
दो टिकट मांगा। The clerk figured the fare. Clerk calculate करके किराया बताया। He glanced at my fancy headband. वो मेरा hat देखने के लिए। But he figured the fare. साथ साथ वो किराया भी गिन रहे थे। And I had enough for two coach tickets. दो टिकट का पैसा था मेरे पास। One way के लिए, one side के लिए मतलब। But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. मैं पैसा काउंट करके देने वाला था तब क्लर्क मुझे घूरने लगा। He nodded at his bills. That is not money, mister, he said. वो कहा, ए साहब क्या गिन रहे हो, वो पैसा नहीं है। And if you are trying to skin me, you won't get very far. अगर मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो ना, चीटिंग करना चाहते हो ना, गया तुम काम से। एंड ही glanced at the cash drawer beside me. मेरे पास जो कैश ड्रॉयर था पास में, वो उसमें घूरने लगा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वहाँ का जो पैसा जो रखा था वो पुराना समय का था। हाफ अगेन आस बी गास द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग, दिखने में अलग। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से बहुत तेजी से निकला। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। उस ज़माने में इस तरह का एक चीटिंग का बात सामने आ गया तो जेल निश्चित था, इसलिए मैंने वहाँ से खिसक गए। एंड दैट वॉज दैट। I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. Dusra din, maine bank se thoda paisa nikalwaya. Old fashioned currency tha. You can buy old money at almost any कॉइन डीलर, एक्सचेंज कर सकता है उसको ले जाके किसी भी कॉइन डीलर से। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन ऐसा करने से पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। हम 100 रुपये दिया तो पूरा 100 रुपये नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उसका बाकी वो प्रीमियम के रूम में क्लर्क अपने पास रहेगा। एक्स्ट्रा मनी कहता है प्रीमियम को। मैं $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरा $300 $200 में कम हो गए। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। एक्स वे 13 सेंट्स या डसन इन 1894, क्योंकि उस ज़माने में एक्स वे 13 सेंट, वहाँ का जो कोइंस है उसको कहते हैं सेंट, या डसन इन 1894। एक डजन एग का प्राइस 13 सेंट्स था उस टाइम 1894 में। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. फिर मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन कभी भी थर्ड लेवल मुझे दिखाई नहीं दिया। Louisa was pretty worried when I told her all this. मैं पत्नी से ये कहा तो पत्नी डर गई, चिंतित होगी। And did not want me to look for the third level anymore. और मुझे वार्निंग दिया कि कभी थर्ड लेवल के हिसाब किताब में नहीं जाना। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। फिर मैंने रुक के मेरा स्टैम्प कलेक्शन देखने गया। बट नाउ वी वेयर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। स्टैम्प देके हम प्रूफ इकट्ठा किया कि ये साबित करने के लिए थर्ड लेवल है उधर। माई फ्रेंड सामवेनर डिसअपियर्ड।
नोबडी न्यू वेयर। मेरे एक दोस्त था सैम वेनर, वो गायब हो गया, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ ए सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। सैम एक सिटी बॉय है, मैं कई बार उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ का स्कूल में पढ़ाई किया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्ले, वो कहते थे वो जगह की आवाज़ मुझे अच्छा लगता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894 में ऐसी ऐसी बात हुआ। बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वाट ए फर्स्ट डे कवर इज। एक रात फसिंग मतलब फालतू किसी चीज़ पर ध्यान देना, ऐसे स्टाम्प कलेक्शन में ध्यान दे रहा था। आई फाउंड वेल डू यू नो वाट ए फर्स्ट डे कवर इज। अच्छा ये पता है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू themselves on the way first day of sale and the postmark proves the date. उसने ये बोला फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं पता है। जब एक नया स्टैम्प इश्यू होता है कोई उस स्टैम्प को खरीद के लिफाफा में चिपका के खुद के एड्रेस में पोस्ट करता है ताकि ये प्रूफ है ये पोस्ट ऑफिस द्वारा आया, उसमें डेट भी दिखाई देता है ताकि कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाए बाद में बोला जाए ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट, द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। ऐसा आने वाला जो कवर है लिफाफा है उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन्ड, वो कभी खोलते ही नहीं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, उसका अंदर केवल खाली कागज डाल के चिपका देते क्योंकि वो खुद के नाम से आया तो क्या पढ़ना है उसमें, खुद को पता ही किसको भेजा किसको आया। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड ऑन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उस दिन मैं जांच कर रहा था तब एक कवर मिस हो रहे बट देयर इट वॉज, लेकिन वो पाया वो मिल ही गया उसी बीच में। आई वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, किसी ने उसको ग्रैंडफादर के नाम से गेल्सबर्ग में भेजा हुआ कवर था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि उसमें एड्रेस ऐसा लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, ये जुलाई 1894 से वहाँ आते। द पोस्ट मार्क शोड दैट, वो डेट में पहचान लिया उसका ऊपर का सील से। इट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट एट, लेकिन मुझे इसका इतना ध्यान ही नहीं था। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट जरफील्ड, उसके ऊपर प्रेसिडेंट जरफील्ड का तस्वीर था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, ग्रैंडफादर के पास आया कलेक्शन में वो संभाल के रखा तभी तो इतना समय तक रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन्ड इट, फिर भी मैंने मुझे मालूम है उसका अंदर जो कागज़ रखते हुए ब्लैंक होता है लेकिन फिर भी मैंने उसको खोल के देखा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रेड, लेकिन उस कागज़ में ये लिखा हुआ था, खाली नहीं था। क्या लिखा हुआ था बॉक्स में देखो, 941 विल्लेंड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इल्लिनोइस जुलाई 1894। चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू आर राइट। चार्ली मैं ये बताने के लिए चिट्ठी लिखा है आप सही था। देन आई गो टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा आप जो भी बताए बिल्कुल सही है। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मे बी थर्ड लेवल ढूंढ निकाला। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड नाइट राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द
daily someone is playing a piano and they are all out of the front porch singing, seeing Nelly home. वहाँ पर मैं दो हफ्ते रहे, बिल्कुल सही, बाहर देखा तो वहाँ लोग पियानो बजा रहे, सब ग्रुप सॉन्ग गा रहे, एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, शिकंजी पीने के लिए मुझे भी बुलाया, कमन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव्स मी इट, बिल्कुल है, खोजना छोड़ो मत और जाओ ढूंढो, थर्ड लेवल उधर है, द नॉट इज साइंड साम, उसका नीचे साम अपना साइन भी कर रखा था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गोट टू आई फाउंड आउट दैट साम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. और भी मुझे ये जानकारी मिला, साम बोट $800, साम $800 खरीदा वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. That ought to set him up in the nice little hay, feed and grain business. वो शायद उसे कुछ business शुरू किया होगा. He always said that is what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. क्या लिखता है, क्या लिखना है, बैठने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बेवकूफ़ बनते रहे, कुछ आइडिया नहीं मिलता है क्या लिखा, लिखने वाला क्या सोच के लिखा, उसको पकड़ के मुंह रगड़ के भेजना चाहिए, ऐसे ऐसे लेसन बच्चों को पढ़ाने देते, कोई आइडिया नहीं, कोई क्या सीखना है, क्या सीख नहीं, बस तो आलतू फालतू बातें लिख के दिमाग करा, लेकिन कुछ ना आए तो लिखना पड़ता है. सो ट्राई टू रीड द लेसन. जब ऑफलाइन का क्लास होता होगा तो उसी टाइम हम उसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देख लेंगे. ओके.